हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा एनपीएम के थ्रू, जिस तरीके से हम कॉरपोरेट में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किस तरीके से हम एनपीएम के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना होगा, हर चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने बता रखा है कि क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी हमने दिखाया था, हेलो प्रिंट कराया था वहाँ पर। अब उस प्रोजेक्ट में जो जो फाइल्स और फोल्डर बने थे उसके बारे में हमें समझना है। एज ए डेवलपर आपको उन सारे फाइल्स और फोल्डर के बारे में जानना होगा, तभी आप अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। कौन सा फाइल का क्या मतलब होता है, क्यों यूज में है, क्या उसका यूज है, कौन सा फोल्डर का क्या कंसेप्ट है, कौन से फोल्डर में हम कौन सा चीज़ रख सकते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, जो बाई डिफॉल्ट क्रिएट करके आपको मिला है, जो क्रिएट रिजेक्ट ऐप के थ्रू हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हमें देखना है बिल्कुल ही डीपली। बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है, बिना स्किप किए एक एक मिनट इसका देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस फाइल का क्या मतलब है, इस फाइल में हम क्या रखते हैं, इंट्री पॉइंट कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप और ईमेल में मिलती रहे। देखिए, जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि एक रिकमेंडेड वे है, किसी भी कॉरपोरेट में काम इसी तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करके आपको दिखाया था। ठीक है, जब भी आप क्रिएट करेंगे इस कमांड के थ्रू, तो बहुत सारे ऑटोमेटिकली बहुत सारे रिक्वायर्ड जो फोल्डर्स हैं फाइल से अपने आप क्रिएट होकर आ जाएगा उस फोल्डर में। हमने देखा भी था कि इस तरीके से कौन कौन सा फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसको हमने वीएस कोड में ओपन किया था। वीएस कोड में ओपन करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अभी मैं लिए चलता हूँ आपको प्रोजेक्ट में, जहाँ पर मैं वीएस कोड में ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा एक एक फाइल और फोल्डर का मतलब, किस फाइल में क्या रखा गया है, किस फोल्डर में क्या रखा गया है, किस फाइल का क्या कंसेप्ट है, उन सारे चीज़ों को हमें डिस्कस करना है बिल्कुल ही डीपली। तो चलिए चलते हैं इसी को हम देखिए। कहीं भी आप लोग से पूछा भी जाए, भी जा सकता है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताओ, तो फोल्डर स्ट्रक्चर ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, फोल्डर को ही हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ओपन करके हम बिल्कुल ही एक एक फाइल और फोल्डर के बारे में बहुत ही डिटेल से में समझेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, माई ऐप। ठीक है, वहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाया था इस फोल्डर में जाकर, जैसे किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे, तो देखिए इस फोल्डर में देखिए हम कहाँ पर क्रिएट किए थे, डेस्कटॉप पर रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर माई ऐप हमने क्रिएट किया था। इतने सारे फोल्डर फाइल और क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल और इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे फोल्डर हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हमें समझना है यहाँ पर। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में टॉप में आपको दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स नेम का फोल्डर, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो देखिए कितने सारे फोल्डर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए नोड मॉड्यूल्स में उन पैकेजेस का फोल्डर होता है जो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए गए हैं। जब भी आप रिएक्ट ऐप कमांड से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो एनपीएम क्या करेगा, जो आपके डिपेंडेंसीज होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होंगे पैकेजेस, वो सब कुछ आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा और उसका एक एक फोल्डर आपके इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर बना देगा। यहाँ तक कि आप अलग से भी कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर, जैसे मान लीजिए मैं बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, जेक्वेरी का इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो सारे पैकेज डिपेंडेंसीज के फोल्डर भी इसके अंदर बनेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी डिपेंडेंसीज, उस डिपेंडेंसीज के डिपेंडेंसीज, मान लीजिए कोई डिपेंडेंसीज है तो उसके भी कुछ डिपेंडेंसीज होंगे। मान लीजिए कोई डिपेंडेंट बूट स्टेप में इंस्टॉल कर रहा हूँ, बूट स्टेप वर्क करने के लिए उसके भी कुछ डिपेंडेंसीज बन रहे हैं, तो वो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगे आपके प्रोजेक्ट में, उसका भी फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, 1000 से अप ऊपर ही चला जाएगा इसका स्ट्रेंथ, इतना फाइल कंटेंट कर सकता है नोड मॉड्यूल। ठीक है, और करता है।
तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि नोड मॉड्यूल्स में क्या रहता है। नोड मॉड्यूल्स में उन सारे पैकेजेस के फोल्डर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, आप अलग से भी कोई थर्ड पार्टी कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, तो उसका भी फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे उसका भी डिपेंडेंसी को कोई होगा तो वो भी डिपेंडेंसीज का फोल्डर इसके अंदर बनेगा और आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये होता है नोड मॉड्यूल का कंसेप्ट। और एक चीज़ ये भी है कि नोड मॉड्यूल्स बहुत ही हेवी फाइल होता है क्योंकि इसमें सारे पैकेजेज इंस्टॉल्ड होते हैं। इसलिए होता क्या है कि इसको जीआईटी की रिपोजिटरी से इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप जीआईटी इग्नोर फाइल में जाएंगे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट इसको इग्नोर किया गया है कि इसको जीआईटी की रिपोजिटरी में ऐड नहीं किया जाता है। देखिए, इस फाइल में अपने आप पहले से ही इसको रखा गया है। ठीक है, इस फाइल में वही फाइल होते हैं जिनको जीआईटी की रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है तो आप उसके प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट से नोड मॉड्यूल डिलीट करके उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल को डिलीट करके दे दीजिए और वो अपने सिस्टम में उस फाइल को सारे को ओपन करके npm इंस्टॉल करेंगे तो अपने आप नोड मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। अलग से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसका जितने ही पैकेज इंस्टॉल है उसका सबका रेफरेंस पैकेज डॉट जेसन फाइल में होता है। ये दोनों फाइल होना चाहिए, जैसा कि मैंने एक npm क्रैश कोर्स में बता रखा है किस तरीके से काम करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, इसी सीरीज में है npm क्रैश कोर्स। ठीक है, तो उसमें हमने बता रखा है कि इस पैकेज जो जेसन फाइल में सारे डिपेंडेंसीज का रेफरेंस होता है। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट भी कर देंगे क्योंकि हैवी फाइल होता है, फिर से npm इंस्टॉल करेंगे तो चल जाएगा। इसलिए हम कभी किसी को शेयर करना होता है प्रोजेक्ट तो हम उतना बड़ा साइज शेयर नहीं करते, या कहीं गूगल ड्राइव के थ्रू देना होता है या फिर कैसे भी देना होता है, तो हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं और प्रोजेक्ट को दे देते हैं। तो जिसको हम देते हैं वो अपने VS कोड में ओपन करके npm इंस्टॉल करते हैं तो अपने आप से नोड मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा और जितने भी डिपेंडेंसीज हो जाएंगे सब कुछ इंस्टॉल करके सबका फोल्डर भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अगला आता है आपका पब्लिक फोल्डर। देखिए, पब्लिक फोल्डर जो है ये आपके एप्लीकेशन के पब्लिक एसेट को कंटेन करके रखता है। ठीक है, जितने भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर मिलेंगे। ये पब्लिक फोल्डर जब बंडल किया जाता है वेब पैक के थ्रू तो उसमें ये यूज नहीं होता। मतलब कि जब वेबपैक बंडल बनाएगा तो उसके प्रोसेसिंग में पब्लिक फोल्डर को यूज नहीं करता। कहने का मतलब कि वेबपैक में इसको इंक्लूड नहीं करता है। वेबपैक क्या करता है, बंडलिंग करता है। जब उसको प्रोसेस करेगा तो पब्लिक फोल्डर को इग्नोर करता है, उसमें इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए इसके अंदर क्या क्या है, फेविकॉन, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो इमेजेज है लोगो डॉट पी एन जी, ये सारे इमेजेज, मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, तो इसके बारे में भी हमें समझना है कि कौन सा फाइल क्या क्या करता है। पहले तो ये तो क्लियर हो गया कि पब्लिक जो फोल्डर है ये आपके पब्लिक एसेट जो कि स्टैटिक फाइल है उसको होल्ड करके रखेगा। जैसे आपको दिख भी रहा है कि कुछ इमेजेज हैं, फेविकॉन जो आइकन है इसके बारे में भी समझेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक मेन फाइल इसके अंदर है, इसके बारे में भी हम अभी अच्छे से समझने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है। इसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के चलते ही इस पब्लिक फोल्डर को हम रूट फोल्डर के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे कि रूट फोल्डर कौन है तो पब्लिक फोल्डर को आप बूहीचक बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यही एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन का। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक एक करके सबके बारे में। और एक चीज़ यहाँ पर फिर से नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब बंडलिंग होगा वेब पैक आपके एप्लीकेशन को बंडल करेगा तो उसमें पब्लिक फोल्डर को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसका भी कंसेप्ट है कैसे यूज होता है, वो भी सब कुछ आगे हम बताएंगे। ठीक है, पहले अभी एक करके इन सारे फाइल्स को हम समझते हैं। पहला फाइल आपको दिख रहा है फेबिकॉन डॉट आई सी ओ, ये आइकन का फाइल है। ठीक है, देखिए ये आइकन है जो आपके ब्राउजर पर दिखता है, यही आइकन फेबिकॉन जो छोटा सा आइकन दिखता है आपके ब्राउजर में, तो यही दिखता है। देखिए इसका लिंक कहाँ पर है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। यहाँ पर आप आएंगे देखिए कि यहाँ पर आपको फेबिकॉन का आइकन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लिंक आइकन, और ये देखिए जब जो भी आपके पब्लिक फोल्डर में होंगे फाइल सबका लिंक इस तरीके से बनेगा, परसेंटेज लगाकर और पब्लिक फोल्डर फिर परसेंट उसके बाद स्लैश और उसके बाद फाइल का नेम होगा। जो भी आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगे उसको दिखाने के लिए किसी फाइल पर अगर लिंक होगा तो इसी तरीके से बनेगा। जैसे देखिए फेविकॉन के लिए किस तरीके से बना है, परसेंटेज पब्लिक यूआरएल परसेंटेज, क्योंकि ये वेबपैक में प्रोसेस करके बंडल में नहीं जाएगा, ये अलग से ही रहेगा, इसीलिए इसका यूआरएल ऐसे बनता है। जो वेबपैक में चला जाएगा तो उसमें ये पब्लिक यूआरएल नहीं लिखा रहेगा। ये पब्लिक एसेट्स है इसलिए यहाँ पर पब्लिक यूआरएल बना है। इस तरीके से यूआरएल बनाकर इसको आप लिंकअप करेंगे अपने एप्लीकेशन के किसी पेजेज पर। यहाँ पर देखिए मैं लोगों के लिए भी
यहाँ पर देखिए इस तरीके से पब्लिक यूआरएल बना हुआ है, मैनिफेस्ट के लिए भी देखिए पब्लिक यूआरएल बना हुआ है, इस तरीके से यूआरएल बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो फेविकॉन का आपको पता चल गया कि ये आइकन है जो आपके ब्राउजर में दिखता है और इसका लिंक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है आपके एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, यही एक एच टी एम एल फाइल है जो आपके ब्राउजर में दिखेगा, क्योंकि आपका जो रिएक्ट में एप्लीकेशन डेवलप होगा वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, एक ही पेजेज होंगे, बाकी सारे अलग अलग छोटे छोटे या छोटे या बड़े जितने भी साइज का हो कंपोनेंट्स बनेंगे जिनको लोड किया जाएगा, रिलोड किया जाएगा। मतलब कि आपके ब्राउजर में केवल एक ही पेज होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन में एक ही पेज होता है, यही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही आपके ब्राउजर में शो कर रहा होगा और इसी पर सारे कंपोनेंट्स आप लोड करा करा के देखेंगे कैसे होगा वो सब कुछ हम देखेंगे। किस तरीके से हम कोई लिंक बनाते हैं तो यूआरएल चेंज हो जाता है और कंपोनेंट वहाँ पर शो होने लगता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो आपका एंट्री पॉइंट होगा, जब आपका एप्लीकेशन हिट होगा तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही आपके ब्राउजर पर दिखेगा। इसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के चलते ही इस पब्लिक फोल्डर को हम रूट फोल्डर के नाम से जानते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, यहीं पर आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन इंजेक्ट होगा। देखिए ये रूट लिखा है, ध्यान दीजिए डीप के अंदर रूट है, यहीं पर दिखेगा। ये तो आपका आइकन लोगो ये सब कुछ दिख रहा है, आपके ब्राउजर पर दिखेगा, और जो आपके एप्लीकेशन को इंजेक्ट किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन के फाइल्स को दिखाया जाएगा, यहीं पर दिखेगा। इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर आइए एस आर सी के अंदर, छोटा सा मैं इसके अंदर आऊँगा, मैं अभी हमें सारी चीज़ें देखना है लेकिन मैं दिखाता हूँ कि रूट कहाँ पर यूज हो रहा है। एस आर सी के अंदर जाएंगे जो मेन इंडेक्स डॉट जे एस फाइल है, इस पर जाकर देखेंगे, देखिए गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट, यहाँ से इसको पिकअप करके ठीक है इस एलिमेंट आई डी को यहाँ से उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ जाकर यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर दिखेगा। इसका किसका रेफरेंस कहाँ पर है ये चीज़ें आपको इंटरनली समझना जरूरी है जब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे, और ये सारे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे अगले वीडियो में। अब हम बात करते हैं लोगो 192 PNG, लोगो 512 PNG, दोनों इमेज हैं, ठीक है। एक तरीके से ये लोगो है, ये स्टैटिक इमेज है, इसका रेफरेंस आपने देखा ही कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर पब्लिक यूआरएल की तरह यहाँ पर रखा गया है। देखिए पब्लिक यूआरएल, इसे आपको साफ क्लियर हो रहा है कि जो भी पब्लिक फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं उसका यूआरएल पब्लिक के साथ बनेगा, पब्लिक यूआरएल के साथ, तो दोनों स्टैटिक इमेजेज हैं। उसके बाद जो मेन फाइल है, आप बोल सकते हैं इसको मेन फाइल या फिर सपोर्टिंग फाइल कुछ भी बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट डॉट जेएस फाइल, इसको डिलीट भी कर देंगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये यूजफुल है, ठीक है। मैनिफेस्ट डॉट जेसन जो फाइल है, जेसन फॉर्मेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, ये कब यूज में आता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके अंदर देखेंगे कि शॉर्ट नेम है आपके एप्लीकेशन का, आपके एप्लीकेशन का नेम है कि एप्लीकेशन का नेम क्या है, आइकन्स के लिए फेविकॉन आइकन, इसका साइज़ क्या है, हर चीज़ एस आर सी के अंदर भी लोगो क्या है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप अलग तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और भी कुछ इस पर लिख सकते हैं, स्टार्ट यूआरएल क्या है एप्लीकेशन का, डिस्प्ले क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर अपने तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये यूज कब होता है, जब आपका एप्लीकेशन एक ऐप की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो आइकन बनेगा आपके होम स्क्रीन पर, ठीक है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं से इन्फॉर्मेशन वो गेदर करेगा, यहीं से इसी फाइल से उस इन्फॉर्मेशन को उठाएगा कि स्टार्ट यूआरएल क्या है, इसका कलर क्या है, सब कुछ सेट कर सकते हैं इसमें, अस्टा एप्लीकेशन का नेम क्या है, सब कुछ इसी से मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल से उसको पिक करेगा और आपको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। जब आपका एप्लीकेशन एक ऐप तरह बिहेव करेगा और इसका आइकन जब आपको होम स्क्रीन पर बनेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये एप्लीकेशन इसी फाइल से अपने इन्फॉर्मेशन को पिक करता है, ठीक है। अब अगला फाइल जो है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, इसके बारे में समझते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है, इसको क्लिक करके देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूजर, यहाँ पर डिसअलाउ अलाउ भी होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर यूजर यूआरएल लिखा है, एजेंट स्टार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिसअलाउ है, तो इसका पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि इस फाइल का कंसेप्ट है क्या, क्यों यहाँ पर है, इसको रखना जरूरी है कि नहीं है। आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए होता क्या है, कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब पर डालते हैं, तो वो इंडेक्सिंग हो जाता है सर्च इंजन्स के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर के जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी पेजेज होते हैं, वो इंडेक्सिंग
कर लिया जाता है सर्च इंजन के थ्रू, जैसे गूगल हुआ या और भी कोई सर्च इंजन है उसको इंडेक्सिंग कर लेगा। कोई भी हम सर्च करते हैं तो वो फाइल उठाकर आपको दिखा सकता है। मान लीजिए कोई हमने फाइल बनाया किसी भी तरीके का कि हाउ टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, इस नेम से कोई फाइल बनाया, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया है, हम गूगल पर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट का जो रैंकिंग में, अगर आपका वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट का वो URL, वो पाथ यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग रहता है सारे पेजेस का। तो यहाँ पर हम सेक्शन बनाते हैं अलाउ डिसअलाउ का। डिसअलाउ में उस साइट का, उस URL का नेम डाल देते हैं जो हमें सर्च इंजन के थ्रू नहीं दिखाना है। ठीक है, मतलब कि प्रिवेंट करना हो, हम नहीं चाहते कि यह फाइल सर्च इंजन के थ्रू दिखे। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ सिक्योरिटी रीजन के कुछ सिक्योरिटी पॉइंट हम रखते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि सर्च इंजन के थ्रू हमारा फाइल कहीं कोई एक्सेस कर ले। ठीक है, तो ऐसे साइट्स को हम प्रिवेंट करते हैं, डिसअलाउ के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए robot.ts फाइल रखा जाता है। अगर आप नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे फाइल्स दिखेंगे, लेकिन अगर ये रख लेते हैं, उसमें आप प्रिवेंट कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं, तो वो फाइल कोई भी सर्च इंजन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यूजर को नहीं दिखा पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कुछ फाइल्स बने होते हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक किसी एम्प्लॉयज का नेम, डेजिग्नेशन या कोई क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कोई डेटा हम ला कर रख रहे होते हैं, तो उस फाइल को प्रिवेंट कर दिया जाता है कि सर्च इंजन में वो जाकर सोना हो, दिखे नहीं। ठीक है, ये तो हमने कवर किया पब्लिक फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे पब्लिक एसेट्स हैं, ये आपके वेबपैक के प्रोसेसिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। इसको जब भी कहीं भी यूज करेंगे तो पब्लिक URL के अंदर ही होगा, परसेंटेज पब्लिक URL इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, उसके बाद इस फाइल का नेम आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया पब्लिक फोल्डर, नोड मॉड्यूल फोल्डर। अब हम आते हैं SRC फोल्डर पर। ठीक है, अब SRC फोल्डर को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फोल्डर है, यही आपके एप्लीकेशन का सोर्स फोल्डर है कहिए। इसी के अंदर आपके सारे फाइल्स बनेंगे जो आप प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स, HTML फाइल्स, जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे, सारे फाइल जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे, सब कुछ आपके SRC फोल्डर के अंदर ही होंगे, इसी के अंदर क्रिएट आप करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है आपके इसी SRC फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट होकर आता है, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आते हैं। इनका मतलब समझिए, पहला तो फाइल आपको दिख रहा है ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट सी जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जे एस फाइल, लोगो, सर्विस वर्कर, सेटअप टेस्ट, ये सारे फाइल SRC के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आते हैं। इसके अलावा भी जितने भी आप कंपोनेंट, सर्विस, जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, सब कुछ इसी SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। और यही SRC फोल्डर वेबपैक के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसी SRC फोल्डर के अंदर जितने भी कंपोनेंट, सर्विसेज जो भी होंगे, वेबपैक जो बंडलर है उसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है, ताकि आपका एप्लीकेशन पब्लिश किया जा सके और कंपाइल होकर आपके ब्राउजर पर जाकर दिखे। बंडल इसी के थ्रू बनाते हैं हम। ठीक है, वेबपैक जो यूज करता है, जो फोल्डर, इसी फोल्डर को यूज करता है। अब बात करते हैं एक एक फाइल्स के बारे में। पहला फाइल आपको दिख रहा है ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, इसमें हम सी एस एस लिखते हैं। एक तो बोल तो सकते हैं कि ये आपका ग्लोबल सी एस एस है, इसमें जो सी एस एस लिख रहे हैं इसके अंदर जितने कंपोनेंट क्रिएट करेंगे किसी भी कंपोनेंट पर ये यूज हो जाएगा। अभी फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट यूज कहाँ पर हो रहा होता है, ये यूज हो रहा होता है ऐप डॉट जी एस फाइल, मतलब कि ऐप डॉट सी एस एस फाइल ऐप डॉट जी एस जो कंपोनेंट है इस पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये एक कंपोनेंट के रूप में बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये यूज हो रहा है इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, उसके बाद आपको आता है ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस फाइल, ये टेस्टिंग के लिए, जब यूनिट टेस्टिंग किया जाता है, जब टेस्टर टेस्ट करते हैं तो उनके लिए यूज में लाया जाता है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं तो आपके डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस जो फाइल है इसमें भी सी एस एस लिखते हैं और ये यूज होता है आपका इंडेक्स डॉट जी एस फाइल पर। इंडेक्स डॉट जी एस फाइल ही जो फाइल है, जो इसके पास रेंडर, जो रिएक्ट डॉम का रेंडर कॉल है, इसी के पास है, यहीं से आपका एप्लीकेशन रेंडर होगा और यही आपके ऐप कंपोनेंट को लोड करेगा और बताएगा कि कहाँ पर लोड करना है। देखिए यहीं पर आपका ऐप कंपोनेंट जो है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है इम्पोर्ट। ठीक
ठीक है, और यही बता रहा है कि यहाँ पर जाकर लोड करो इस रूट में। ये रूट किसका है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, ठीक है, इसका रूट है। ठीक है, तो आपके ब्राउजर में फाइनली कॉल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही होगा, रेंडर यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इंडेक्स डॉट जी एस फाइल से होगा। किसको रेंडर करेगा? ऐप कंपोनेंट को, और कहाँ पर दिखाएगा? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, क्योंकि उसका रूट यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से इसका फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लोगो डॉट एस वी जी। देखिए, ये एक ग्राफिक्स लोगो है जो आपके ब्राउजर पर दिखता है। जब आप रन कराते हैं तो जो आपके ब्राउजर पर जो लोगो दिखता है, ये वही लोगो है, ठीक है, ग्राफिक्स की तरह दिखता है। ठीक है, अगला फाइल है आपका सर्विस्ड वर्कर डॉट जे एस फाइल। देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट फाइल नहीं है, लेकिन कब इम्पोर्टेंट है, कब ये मैंडेटरी है? जब आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ठीक है, उस टाइम इसका ज़रूरत पड़ता है। ये जैसे सर्विस वर्कर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ही आप समझ गए होंगे कि सर्विस रिलेटेड है। तो ये सर्विस को रजिस्टर करने के लिए यूज किया जाता है। अभी मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा तो आपको वेब एप्लीकेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब नेसेसरी हो जाता है जब आप क्रिएट करने जा रहे हैं कोई मोबाइल ऐप्स, ठीक है, वहाँ पर ये यूज में लिया जाता है। ठीक है, सेटअप टेस्ट डॉट जे एस फाइल, सेटअप टेस्ट डॉट जे एस फाइल जो है टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये टेस्टिंग का टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फाइल जी आई टी इग्नोर। ठीक है, जी आई टी इग्नोर वो फाइल है जहाँ पर हम उन फाइल्स को रखते हैं जिसे हमें जी आई टी से के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। इसके अंदर जो जो फाइल का हम नेम रख देंगे वो आपके जी आई टी की रिपोजिटरी में ऐड नहीं होगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे नोड मॉड्यूल आप पहले से रखा हुआ है, इतने सारे बिल्ड, ये सब कुछ आपका पहले से ही रखा हुआ है बाई डिफॉल्ट, और भी किसी फाइल और फोल्डर का नेम रख देंगे तो आपके जी आई टी की रिपोजिटरी में ऐड नहीं होगा, उसको ये इग्नोर कर देगा। इसीलिए इसका नाम ही है जी आई टी इग्नोर इशू, जिससे बहुत लोग गिट इग्नोर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेन दो फाइल है, पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ये दोनों फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल हैं। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपका कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन का भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है, और आपके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला फाइल आप समझिए पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल, उससे पहले आप पैकेज डॉट जेसन फाइल समझिए, उसके बाद आपको ये फाइल समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर नेम है एप्लीकेशन का, वर्जन है एप्लीकेशन का, ठीक है, प्राइवेट ट्रू लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे डिपेंडेंसी सेक्शन है, उसके बाद स्क्रिप्ट के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, स्टार्ट करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट, स्टार्ट टेस्ट के लिए, बिल्ड के लिए, ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके ब्राउजर्स के लिए, ठीक है, ब्राउजर लिस्ट बना हुआ है, इस तरीके से इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, पहली बात। इसके अंदर जो भी आपके डिपेंडेंसीज हैं ये आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं, आपको यहाँ पर वन लाइनर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंसी जब आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल होगा तो इस डिपेंडेंसी को यूज करने के लिए अगर कोई दूसरा ही डिपेंडेंसी जिसमें यूज हो रहा हो वो डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल होगा, अगर उस डिपेंडेंसी के लिए कोई दूसरा डिपेंडेंसी है तो वो भी इंस्टॉल होगा। और ये इंस्टॉल कहाँ पर होगा? आपके प्रोजेक्ट में, और उसका रेफरेंस कहाँ ऐड हो जाएगा? पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में। मतलब कि पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में उन सारे डिपेंडेंसीज का नेम होगा, रेफरेंस होगा, जो आपके प्रोजेक्ट में लॉग कर लिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा? जो आपके एप्लीकेशन में की डिपेंडेंसी है जो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अलग से भी कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए बूटस्ट्रैप का डिपेंडेंसी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा हूँ, जेक्वेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसका भी नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसका फोल्डर आपके नोड मॉड्यूल के अंदर जाकर बन जाएगा, ठीक है, और उस बूटस्ट्रैप का नेम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। बूटस्ट्रैप को, बूटस्ट्रैप अगर कोई दूसरा डिपेंडेंसी यूज कर रहा होगा तो उस डिपेंडेंसी को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, उसका भी फोल्डर इसमें बन जाएगा, उसका भी रेफरेंस यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, जेस्ट डॉम, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस डिपेंडेंसीज को, और इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर रखिए, ठीक है, आया ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 4.2.4, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 4.2.4 यहाँ पर इंस्टॉल है। तो ये तो ये वन लाइनर इतना ही होना चाहिए था, लेकिन इसके सपोर्टिंग डिपेंडेंसीज, सपोर्टिंग जो पैकेजेज जो इसको जो ई यूज कर रहा है ये डिपेंडेंसी, वो सब कुछ देखिए यहाँ पर, ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया है,
ठीक है, इसी तरीके से जितने भी वहाँ पर डिपेंडेंसीज है उनके सपोर्टिंग डिपेंडेंसीज का भी रेफरेंस आपके लॉक डॉट जेसन फाइल में मिलेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, पैकेज और जेसन फाइल में वो डिपेंडेंसीज होते हैं जो आपके एप्लीकेशन के लिए जरूरी हैं, पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में वो डिपेंडेंसीज मिलेगा जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुके हैं, जो लॉक कर लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और भी समझिए आप, आपको इसमें कहीं कैरेट दिख रहा है, ठीक है, कहीं आपको इसमें टिल भी मिल जाएगा, अभी कहीं दिख नहीं रहा है, टिल भी रहता है इसमें, ठीक है, आप इस तरीके से टिल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल है, आप इसको अच्छे से समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो इससे पहले आप ये समझिए कि जो ये पैकेज है, ये डिपेंडेंसी जो पैकेज है, इसका ये वर्जन नंबर है, जिसे हम सिमेंटिक वर्जनिंग बोलते हैं। ठीक है, सिमेंटिक वर्जनिंग में 3 पॉइंट होते हैं, पहले पार्ट को हम मेजर बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम माइनर बोलते हैं, और तीसरे को हम पैच बोलते हैं। ठीक है, मेजर मतलब कि बिल्कुल ही नया वर्जन आ गया, ठीक है, माइनर को बोलते हैं कि जो मान लीजिए कि इसी वर्जन में कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है, पैच तब चेंज होता है जब इसमें कोई बग हो उसको फिक्स करके रिलीज किया गया हो। ठीक है, ये दोनों जब चेंज होता है तो आपके प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया फीचर ऐड हुआ है और पैच में बग फिक्स किया गया, लेकिन ये चेंज होता है तो मतलब कि बिल्कुल ही नया वर्जन आ गया है, उसमें आपके एप्लीकेशन का बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है, तो आपको डेवलपर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब समझिए इस कैरेट का और टिल का क्या कंसेप्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप नोड मॉड्यूल डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे, आप लिखेंगे npm install, ठीक है, तो इंटर हिट करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, इन सबको इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट में, इसके डिपेंडेंसीज के जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसको लॉक कर देगा इसके पैकेज और लॉक डॉट जेसन फाइल में, और सबका फोल्डर आपके नोड मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से बना देगा। ठीक है, तो मतलब कि इसको डिलीट करेंगे और npm इंस्टॉल करेंगे तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, वो यहीं से पता चलेगा, यहाँ से पैकेज और जेसन फाइल से। आप अलग से भी कोई बूटस्ट्रैप जो क्रिएट करेंगे तो उसका भी रेफरेंस बन जाएगा, तो उसको भी इंस्टॉल कर देगा, तो अब उसका पैकेज का नेम और वर्जन यहाँ पर रख देगा। ठीक है, अब ये इंस्टॉल करने आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, अब मैं npm इंस्टॉल का कमांड चलाता हूँ, अब आया यहाँ पर, इसको देखेगा कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यही डिपेंडेंसी जिसको मिलेगा, अब इसको इंस्टॉल करने आया। ठीक है, उस टाइम आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, तब यहाँ पर आएगा तो ये चेक करेगा कि ये वर्जन इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर देखेगा कैरेट, तो ये कैरेट जहाँ जैसे ही मिलेगा तो चेक करेगा कि क्या इसके दो पार्ट माइनर और पैच, इन दोनों में कोई अपर लेवल का वर्जन अवेलेबल है क्या इंटरनेट पर। ठीक है, अगर 2K+3, 4.5.6, 4.3, 4.4, 4.5 इस तरीके का, या फिर 4.2.5, 2.6 इस तरीके का कोई पैकेज, मतलब इससे अपर वर्जन का, लेकिन ये पहला वाला पार्ट नहीं चेंज होना चाहिए, किसको किसको चेक करेगा, लास्ट के टू पार्ट को, इसके अपर वर्जन का कोई पैकेज अगर अवेलेबल है इंटरनेट पर तो उसको इंस्टॉल कर देगा। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो लेटेस्ट चीज़ें आया हुआ है इसी वर्जन में, क्योंकि मेजर वाले में नहीं चेक कर रहा, इसी वर्जन में कोई नया फीचर भी आ गया है तो उसको लाकर इंस्टॉल कर देगा। अभी मान लीजिए प्रोजेक्ट आप क्रिएट किए हैं, ठीक है, कुछ दिन के बाद आप npm इंस्टॉल चलाइएगा, कुछ भी बिना डिलीट किए भी npm इंस्टॉल आप चला देंगे, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर 2 के जगह पर 4 कोई नया फीचर ऐड किया गया होगा, रिलीज किया होगा, तो यहाँ पर तो आपको 2 ही दिखेगा, लेकिन जब पैकेज लॉग रजिस्ट्रेशन फाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि 3 दिख जाए। ठीक है, क्या पता नया वर्जन आ गया हो इससे अपर वर्जन का, मतलब कि वर्जन वही, नया माइनर चेंज आ गया हो, ठीक है, जिसमें कोई नए फीचर्स आ गए हो, तो उसको लाकर इंस्टॉल कर देगा, उसका इफेक्ट आपको लॉग डॉट जेसन फाइल में दिख जाएगा। तो इसीलिए रखा गया है इसको कैरेट को, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये नेट पर एग्जैक्ट यही सर्च करेगा कि यही मिलना चाहिए, इसको हटा कर मान लीजिए मैंने हमने यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है, तो एग्जैक्ट यही वर्जन सर्च करेगा, यही मिलेगा तभी इंस्टॉल करेगा, नहीं मिलेगा तो इंस्टॉल नहीं करेगा, इसीलिए कैरेट रखा जाता है ताकि कोई अपर वर्जन भी हो तो उसको भी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दे। ठीक है, ये तो कैरेट का होगा। अगर यहाँ पर टिल लगा हुआ रहता तो केवल लास्ट वाले पार्ट को, केवल मतलब कि कोई अगर बग फिक्स करके डाला गया होगा तो उसको इंस्टॉल करेगा, केवल लास्ट वाले पार्ट को चेंज चेक करेगा।
सी आपको अपने माइंड में रखना होगा कि इस डिपेंडेंसीज में कैरेट और टिल्ड का भी कंसेप्ट होता है। ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे और आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा बाकी सारे डेवलपर्स से, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कैरेट और टिल्ड का कंसेप्ट क्या है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और ये मैनेज किसके थ्रू किया जा रहा होता है, NPM के थ्रू। ये डिपेंडेंसीज, ये पैकेज और जेसन फाइल मैनेज होता है, NPM इसको मैनेज करता है। NPM प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है, NPM नोड जैसा अगर आपके सिस्टम इंस्टॉल है तो NPM अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, वही इस सबको मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों फाइल के बारे में आप समझ ही गए, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया। आपको इसके बाद लास्ट फाइल आता है रीडमी, ठीक है। रीडमी एक इंफॉर्मेशनल फाइल होता है, जिस तरीके से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं नेट से तो रीडमी का एक फोल्डर होता है, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें उसमें होता है। उसी तरीके से रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए भी रीडमी दिया गया है। इसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, जैसे NPM स्टार्ट ये है, किस पोर्ट पर दिखेगा, इस तरीके से और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। NPM टेस्ट के लिए ऐसे लिखेंगे, बिल्ड करने के लिए ऐसे लिखेंगे, NPM रन बिल्ड, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। बस इन्फॉर्मेशनल फाइल होता है, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया था और इसके फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब कि आपने फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया, आपने एक एक फाइल को समझा किस फाइल का क्या मतलब है, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी था। अब हम आगे डेवलपमेंट करेंगे तो इन सारे फाइल्स का कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा, तो डेवलपमेंट करते टाइम हमें यह ध्यान रहेगा कौन सा फाइल कहाँ पर है, इसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन में जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसका क्या कंसेप्ट होता है, कौन कौन सा फाइल का क्या मतलब होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारा मनोबल और बढ़ाता है। और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि इस तरीके से इस सीरीज को फॉलो करें, रिएक्ट एप्लीकेशन को बेटर तरीके से डेवलप करने के लिए, रिएक्ट अच्छे तरीके से सीखने के लिए जो कि कॉर्पोरेट लेवल का होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच। एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँ कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेज चलते हैं, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होते हैं बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को।